हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा प्लेटिनम में। तो पिछले क्लास में मैंने स्टी क्या था, ऑस्मेसिक प्रेशर और ऑस्मेटिक क्या होता है, परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। तो पिछले क्लास वाला वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के लिंक में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगा। चूँकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको परासरणी दाब के नियम, ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉ ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, परासरणी दाब के नियम, जिसमें पहला नियम है आपका वायल वॉन्टहॉफ नियम। चूंकि हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है वायल का वॉन्टहॉफ नियम, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इसी तरह का डेली वीडियो लेक्चर आपको डेली मिलता रहेगा। अगर आप एग्री हैं तो बोलिए कि डेली लाइव स्ट्रीम आप लोग का लिया जाए। एग्री है तो डेली आप लाइव स्ट्रीम के लिए कमेंट्स करें कि कितने लोग हो रहे हैं, आप डेली लाइव स्ट्रीम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि वायल वॉन्टहॉफ नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरणी दाब, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरणी दाब विलेय की कणों के सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। वायल वॉन्टहॉफ नियम यही कहता है कि स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरणी दाब विलेय के कणों के सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि स्थिर ताप पर हो गया तनु विलयन का, स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरणी दाब जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, परासरणी दाब होता है, वह क्या होता है, विलेय कणों के सांद्रण का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, उस समय किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऑस्मेटिक प्रेशर जो होगा वह सॉल्यूट के पार्टिकल्स के कॉन्सेंट्रेशन के क्या होगा, सीधा समानुपाती होता है। सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि परासरणी दाब यह है समानुपाती सी, कल जब ताप स्थिर है, जब क्या है, ताप स्थिर है, ठीक है। ये कहता है परासरणी दाब जो है विलेय के कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। चूंकि हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन बराबर एन बाई भी होता है, ठीक है, इसलिए ये आपका जो पाई होगा वह क्या हो जाएगा, एन बाई भी के क्या हो जाएगा, एन बाई भी के क्या होगा, समानुपाती। ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है नंबर ऑफ सोल्यूट बटा वैल्यू के इक्वल होता है। इस सी के जगह पर इसको हमने क्या किया, पुट कर दिया, तो परासरणी दाब जो हो गया प्रोपोर्शन हो गया एन बाई वी के, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परासरणी दाब जो है समानुपाती हो जाएगा 1/v जब एन आपका क्या होगा, स्थिर, ठीक है। यानी कि परासरणी दाब जो है आयतन के बीच अनुपाती हो गया, कब, जब एन स्थिर हो, यानी यहां से एन को हम क्या किए, निकाल लिए, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, या यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बचेगा, यानी कि हो गया परासरणी दाब समानुपाती हो गया 1/v, चाहे बीजगणपाती हो गया भी के वैल्यूम के क्या हो गया, बीजगणपाती। तो वही कह रहा है कि स्थिर ताप पर तरु विलयन का परासरणी दाब विलेय कणों के कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। यानी कि परासरणी दाब समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर हम लिख देते हैं किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे ये जो आपका पाई लिखा हुआ है, ये है परासरणी दाब, सी है विलेय का सांद्रण,
एन है विलेय का कण, वी है आयतन। ठीक है, इस तरह आपका होता है प्रसरणी दाब। ठीक है, यानी कि यह आपका टी क्या है, जब टेम्परेचर क्या है स्थिर है तो इसका नियम फॉलो करता है, और भी क्या क्या गया, अगर यहाँ पर एन को, यहाँ पर एन जो है एन को कॉन्स्टेंट मान ले तो यहाँ पर वन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि ये भी आपका हो सकता है। यानी प्रसरणी दाब जो है वैल्यूम के, विलयन के वैल्यूम के भी क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। क्लियर, यानी यही है आपका बायल वांट हॉफ नियम, बायल वांट हॉफ नियम। सेकेंड लॉ, सेकेंड आपका है चार्ल्स वांट हॉफ नियम। चार्ल्स वांट चार्ल्स वांट, ठीक है, चार्ल्स वांट्स हॉफ लॉ। ठीक है, ये आपका जो है दूसरा कंडीशन है, दूसरा प्रसरणी एस्मोटिक प्रेशर का दूसरा लॉ है चार्ल्स वांट हॉफ नियम। चार्ल्स वांट हॉफ नियम ये क्या कहता है, यह कहता है कि जब क्या है कॉन्सेंट्रेशन ही स्थिर हो, जब सांद्रण ही क्या हो स्थिर हो, तो उस समय किसी विलयन का प्रसरणी दाब उसके परम ताप के, परम ताप यानी कि टेम्परेचर भी क्या होता है, समानुपाती होता है। यह जो लॉ कहता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो कॉन्स्टेंट हो, जब सांद्रता स्थित हो स्थिर हो तो किसी विलयन का प्रसरणी दाब परम ताप के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रसरणी दाब, क्लियर, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रसरणी दाब, ठीक है, परम ताप के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। परम ताप के क्या होता है, सीधा समानुपाती है। वह तनु विलयन के लिए दाब आयतन, यह तनु विलयन के लिए दाब आयतन नियम कहलाता है। दाब आयतन नियम कहलाता है। यानी यह कह रहा है कि जब क्या है कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हो, जब कॉन्स्टेंट हो, तो किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर परम टेम्परेचर के, सुपर टेम्परेचर के, परम टेम्परेचर के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, या तनु विलयन के लिए दाब आयतन नियम कहलाता है। यानी इसका मतलब है कि प्रसरणी दाब समानुपाती होता है किसके, परम ताप टेम्परेचर के, जब क्या स्थिर हो, सांद्रता स्थिर हो, जब क्या हो सांद्रता स्थिर हो, तो प्रसरणी दाब जो है परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ से कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो आपका आता है के टी, ठीक है, और जहाँ के आपका क्या है, जहाँ के आपका क्या है, नियतांक है, जहाँ के आपका क्या है, नियतांक है। उच्च ताप पर ऑस्मोटिक प्रेशर उच्च होता है और निम्न ताप पर ऑस्मोटिक प्रेशर निम्न होता है। नोट में कर लेंगे, उच्च ताप पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उच्च होता है,
और निम्न तात्पर्य निम्न होता है। क्लियर? इसका मतलब है कि आप दिया है समानुपाती, समानुपाती मतलब टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। इसलिए बोला है कि अगर टेम्परेचर हाई है तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी हाई होगा, अगर लो है तो भी क्या होगा, लो होगा। ये रहा आपका चार्ल्स स्वान्टहॉफ नियम, स्थिर समता पर किसी विलयन का प्रसरणीय दाब ऑस्मेटिक प्रेशर परम ताप के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रसरणीय दाब समानुपाती टेम्परेचर, इसको समानुपाती कहें, समानुपाती हटेगा तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसको के इंटू के कहेंगे, यानी के आपका क्या है, एक नियतांक। क्लियर? तो इस तरह का आप नियम और भी हैं जिसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट्स में जरूर बताएंगे कैसा लगा। आप लोग कमेंट्स करते नहीं, सपोर्ट करें। और आप डेली लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें कि हम लाइव स्ट्रीम डेली कर सकते हैं 1 घंटे का, तो हम आपको देने के लिए तैयार। थैंक्स। माय बाकी वीडियो बेस्ट।